नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं E7 News। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचार की ओर। हाल ही में लॉकडाउन का ऐलान करने वाली कर्नाटका सरकार के सामने नया संकट आ गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राजधानी बेंगलुरु में 3,000 संक्रमित लोग लापता हैं। इतना ही नहीं, इन गायब लोगों को कॉन्टेक्ट नंबर भी बंद आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए गायब संक्रमितों का पता लगाना मुश्किल हो गया है। यहाँ पुलिस से लोगों को तलाशने के लिए कहा गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु शहर में 3,000 कोरोना वायरस से संक्रमित लोग गायब हैं। इन्हें पकड़ने के लिए सरकार ने पुलिस को आदेश दिए हैं। राज्य के राजस्व मंत्री आर अशोक ने दावा किया है कि ये गायब लोग बीमारी फैला रहे हैं। कर्नाटक में भी कोविड-19 मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा जारी है। बुधवार को राज्य में 39,047 संक्रमण के नए मामले और 229 मौतें दर्ज की गई। कर्नाटक में यह एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं बेंगलुरु में कुल 22,596 मरीज मिले हैं। मंत्री अशोक ने जानकारी दी है कि पुलिस को इन गायब लोगों का पता लगाने के लिए कहा गया है। वहीं पुलिस इन लोगों को तलाशने को लेकर अपनी रणनीति पर चुप्पी साधे है। कर्नाटक सरकार में मंत्री उमेश कत्ती अपने कथित बयान को लेकर विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल एक कथित वायरल ऑडियो क्लिप में कत्ती एक नाराज किसान से कह रहे हैं, इससे बेहतर हो कि तुम मर जाओ। इस ऑडियो क्लिप को लेकर विपक्षी नेताओं ने कहा है कि कट्टी अपने बयान के लिए माफी मांगे। कहा जा रहा है कि किसान ने उमेश कट्टी से यह पूछने के लिए फोन किया था कि पीडीएस सिस्टम के तहत दिए जाने वाले चावल की मात्रा 5 किलो से 2 किलो क्यों कर दी गई है। ऑडियो में वो कहता है, सुनाई दे रहा है कि बीते एक साल में काम छूट जाने के कारण कई लोग इस निर्णय पर चिंता में। इस पर मंत्री कट्टी ने जवाब दिया कि अनाज का वितरण जल्द बढ़ाया जाएगा, केंद्र सरकार ने और अनाज की सप्लाई का वादा किया है। इस पर किसान ने पूछा कि ये कब तक होगा, तो कट्टी ने जवाब दिया, अगले महीने तक। इस घटना पर उमेश कट्टी का स्पष्टीकरण भी अजीबोगरीब है। उन्होंने कहा, किसी को ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए। कोरोना ने भारत पर किस कदर सितम ढाया है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में 15 से 24 अप्रैल के बीच यानी 9 दिनों में ही मेडिकल ऑक्सीजन की मांग 47% बढ़ गई है। इतना ही नहीं, जहां पिछले सिर्फ 12 राज्यों को ऑक्सीजन की किल्लत थी, वो अब बढ़ चुकी है। अब केंद्र से ऑक्सीजन मांगने वाले राज्यों की संख्या बढ़कर 22 तक पहुंच गई। रिकॉर्ड्स के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 15 अप्रैल को 12 राज्यों के सचिवों को ऑक्सीजन की मांग के बाद किए गए आवंटन के बारे में सूचित किया था, जिनमें 12 राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल थे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने 24 अप्रैल को राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों को चिट्ठी लिखी और उन्हें बताया कि 25 अप्रैल से उनकी मांग के हिसाब से कितना ऑक्सीजन आवंटन किया जा रहा है। इससे अंदाजा लगाया गया कि केंद्र से ऑक्सीजन मांगने वाले राज्यों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है और इन राज्यों ने कुल 8,172 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की है, जो कि 15 अप्रैल की तुलना में 47% ज्यादा है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल में हुए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के संबंध में ग्राहकों की संतुष्टि के बारे में पता लगाने के लिए एक सर्वे करने का फैसला किया है। इसके तहत अन्य सवालों के अलावा यह भी पूछा जाएगा कि क्या विलय ग्राहक सेवाओं के लिहाज से सकारात्मक रहा या नहीं। इस सवाल के जवाब में ग्राहकों के पास अत्यधिक सहमत, ठीक ठाक, असहमत, अत्यधिक असहमत जैसे विकल्प होंगे। यह सर्वे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात सहित 21 राज्यों के कुल 20,000 पर किया जाएगा, जिनसे 22 सवालों के जवाब देने होंगे। इन 22 सवालों में 4 सवाल खासतौर से उन बैंकों के ग्राहकों के लिए हैं जिनकी शाखाओं का दूसरे बैंक की शाखाओं में विलय किया गया है। इन ग्राहकों से ग्राहक सेवाओं और शिकायतों के समाधान को लेकर उनके अनुभवों के बारे में पूछा जाएगा। दरअसल PSB बैंकों के विलय के तहत देना बैंक और विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलाया गया था। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई खबर हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-891-3722 पर संपर्क करें।